हेल्थ प्लस प्रोम में आप सबका स्वागत है। हेल्थ प्लस प्रोम में आज हम आए हैं जिंदल हर्ट इंस्टीट्यूट एंड इनफर्टिलिटी सेंटर नियर बस स्टैंड पावर हाउस रोड बठिंडा, और आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रजनी जिंदल जी के साथ, जो कि IVF स्पेशलिस्ट हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर रजनी जिंदल जी बांझपन के मरीजों के लिए एक वरदान है और हजारों की गिनती में बेऔलाद जोड़े यहाँ पर संतान सुख की प्राप्ति कर चुके हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर रजनी जी के साथ बातचीत की और उन्होंने हमें इनफर्टिलिटी के कारण और उसके निवारण के बारे में जानकारी दी। स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रजनी जिंदल जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से हजारों की गिनती में उन बेलाद कपल्स को संतान सुख की प्राप्ति दे चुके हैं जो बिल्कुल थके हारे थे। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे इनफर्टिलिटी का जो एपिडेमिक है वो बढ़ रहा है, पहले किसी जमाने में कोई कोई इनफर्टाइल होता था और बहुत ज्यादा छिपाते थे लोग, लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लोग भी अवेयर हो गए हैं और एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने, क्या कहना चाहिए? प्रॉब्लम बड़ी भी है क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मेल इनफर्टिलिटी भी ज़्यादा है, और फिर लोग शादी भी लेट करते हैं, शादी कर लेते हैं तो बच्चा भी लेट प्लान करते हैं, तो ये सारे कंबाइंड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई है। और क्योंकि ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है तो लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना चाहते, कई बार वो जल्दी भी आ जाते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए और IVF के लिए, क्योंकि वो इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। और डॉक्टर, जिस तरीके से आज का हम सिनेरियो देख रहे हैं कि लेट मैरिजेस, करियर कॉन्शियस बहुत ज़्यादा नर्सरी हैं, KG हैं और ग्रेजुएशन में भी साल बढ़ गए हैं, तो इस वजह से जो बच्चे हैं मैरिज एज है जो बहुत ज़्यादा लेट होगी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास 20s में भी आते हैं, 24, 25, 26, 27, 28, तो वो ज़्यादा नहीं कह सकते उसको। बट डेफिनेटली जो सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा करियर कॉन्शियस भी होती हैं, तो करियर उनके लिए पहले होता है, फैमिली बाद में होती है, तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे लोगों की परसेंटेज बढ़ रही है डे बाय डे। और बहुत सारे ऐसे भी हम देखते हैं कि गर्ल्स शादी नहीं करना चाहती और बच्चे नहीं चाहती हैं, दे वॉन्ट टू गिव करियर प्रायोरिटी, तो ये सारे केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर, इन केसेस के लिए भी आप डॉक्टर्स ने, जैसे कोई बच्चा है जब शादी उसने लेट करानी है या उसने बाहर जाना है, फॉरेन का प्लान कर रहा है, तो उसके लिए भी आपने नई नई टेक्निक्स जो अडॉप्ट कर लिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं, स्पेशली एग फ्रीजिंग, जिसको कि सोशल एग फ्रीजिंग बोलते हैं, ये काफ़ी सारी कंपनीज भी ऑफर करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे ये गूगल और जो बड़ी कंपनीज हैं ये अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए ये ऑफ़र करती हैं सोशल फ्रीजिंग, ताकि लोग अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकें, उनको अपने डिक्लाइनिंग ओवेरियन रिजर्व की चिंता ना हो और अपने काम पे फोकस कर सकें, और लेटर ऑन वंस वो करियर इस्टेब्लिश कर लेते हैं एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली, तो फिर वो अपने फ्रोजन ओसाइट से यूज़ करके बच्चा भी ले सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ में, महिलाओं में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो चलता है, और लाइक ओवेरियन जो अंडेदानी में एग्स होते हैं उनका नंबर कम हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती है, तो एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है। और अक्सर 40 साल के बाद अगर कोई लेडी मैरिज करती है, बेबी प्लान करती है, तो कई बार उसके अंडेदानी में, ओवरीज में एग्स ख़त्म ही हो जाते हैं, शी हैज़ टू गो फॉर अ डोनर एग IVF, तो ये वाली समस्या का हल इससे बहुत अच्छा हो सकता है सोशल फ्रीजिंग। और अभी हमारे एरिया में तो मेरे पास इस चीज़ के लिए क्वेरीज ही आई हैं, अब मैंने सोशल फ्रीजिंग के लिए लेडीज़ नहीं, अभी आगे कोई किसी ने आके कराया नहीं है,
एग फ्रीजिंग हमने की जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस में की है जहाँ पे मेल फैक्टर था या स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं थी, एग ज़्यादा मिल गए और उतने स्पर्म्स नहीं मिले बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम मेल इनफर्टिलिटी, तो उनके एग हमने फ्रीज कर लिए। इस टाइप के केसेस हैं, बट डेफिनेटली इसकी क्वेरीज बहुत आती हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स और जो बाहर रहते हैं वो लोग पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं और वो करते भी हैं जो अच्छी सिटीज़ में सेटल्ड हैं और जो अच्छे करियर्स में हैं, लेडीज़ दे आर डूइंग इट, काफ़ी हो रहा है। जैसे आपने एक बात बोली है कि बाद में जो एग्स की क्वालिटी है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे कौन सी ऐसी एज है जिसमें अगर वो प्लान करना भी चाहें उस एग फ्रीजिंग के लिए या एग फ्रीजिंग के लिए, तो किस एज में ये मतलब बेटर रहता है उनके लिए? ये भी डिपेंड करता है कि उनका बेसलाइन ओवेरियन रिजर्व क्या है। जिन लेडीज में ऑलरेडी ओवेरियन रिजर्व, जो कि हम अल्ट्रासाउंड से और ब्लड टेस्ट से डिटर्मिन कर सकते हैं, ऑलरेडी अच्छा है, उनमें 35-36 तक एग फ्रीजिंग करी जा सकती है। पर जिन लोगों में ऑलरेडी ओवरीज का साइज छोटा है या क्वालिटी एग्स की अच्छी नहीं है, उनके लिए कई बार 35 भी बहुत लेट हो सकती है। तो वो अगर अपने अर्ली 30s में या लेट 20s में इसके बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डॉक्टर, जैसे हमने आज आपके पेशेंट के साथ बात की, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो जैसे बाहर से आए हुए थे, बाहर के कंट्री से, और काउंसलिंग के लिए जिस तरीके से आप उनको सामना दे रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी के केस में काउंसलिंग है जो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं? काउंसलिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो 100% रिजल्ट नहीं देता, तो पेशेंट का मनोबल बना के रखना पड़ता है कि वो डिप्रेशन में ना चला जाए, कि इवन हाईएस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो बहुत सारी काउंसलिंग करनी पड़ती है। हर तरीके से मरीज़ को प्रिपेयर करना पड़ चाहिए पहले हमें, कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है, उसका मिसकैरेज भी हो सकता है, उसको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, पर उसको अपना धीरज बनाए रखना है। नेगेटिव भी आता है तो उसको दोबारा करना है, और प्रेगनेंसी होने के बाद भी पेशेंट उसको लेके, थोड़ी मोटी प्रॉब्लम्स को लेके ही बहुत ज़्यादा घबरा जाना, उसे लगता है वे प्रेगनेंसी पता नहीं क्या है, इसमें पता नहीं कितना ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हैं जो काउंसलिंग से डर खत्म करना होता है पेशेंट का, रिजल्ट को लेके और आगे IVF प्रेगनेंसी को लेके भी उसको एक सहज तरीके से उस प्रेगनेंसी को लेना चाहिए। एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही उस प्रेगनेंसी को लेगा तो आउटकम डेफिनेटली बेटर होगा। दस जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, उनके लिए भी आप उस एग फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग के लिए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि और वो कैंसर उनको होती है लेकिन उससे पहले ही जो जब उन्होंने कीमो वगैरह लगानी होती है तो उससे पहले ही आप लोग उनके एग्स लेकर उनको भी आम बच्चों की तरह उनके जो बच्चे हैं जन्म जाते हैं? हाँ जी, कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है और हम सब जानते हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये जो हमारे अंडकोश होते हैं उनको ख़त्म करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, तो उनको डैमेज कर देती है, परमानेंटली डैमेज भी कर सकती है। तो ऐसे में हमें कैंसर ट्रीटमेंट से पहले हम या तो भ्रूण जमा करके रख लें, जिसको कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते कहते हैं, जहाँ पे मरीज एक सेटल्ड रिलेशनशिप में है, मैरिड है, वहाँ पे एम्ब्रियो फ्रीजिंग करी जाती है ट्रीटमेंट से पहले, और एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बाद नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। और देखा गया है कि जो हम एग और स्पर्म लेते हैं उसमें से कैंसर आगे बच्चे को नहीं जाता, अगर मरीज़ को कैंसर भी है तो उसके बच्चे में नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक सेल निकाला जाता है, स्टिमुलेट करके भ्रूण बनाया जाता है, तो एक सिंगल सेल होता है और कोई टिश्यूज़ नहीं होते, ब्लड नहीं होता और सेल्स, लिम्फ, ब्लड कुछ भी नहीं होता विच कैन ट्रांसपोर्ट कैंसर सेल्स, तो ये बहुत सेफ मेथड है। जहाँ पे यंग एज में कैंसर हो जाए, जैसे यंग फीमेल्स हैं या फिर यंग मेल्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वहाँ पे एग फ्रीजिंग करी जाती है और सीमन फ्रीजिंग करी जाती है, और ये इस चीज़ की काउंसलिंग भी सब मरीजों को, सब पेशेंट्स को जो कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं, उनको इसके बारे में एजुकेट करना हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको इसके बारे में एजुकेट करें। डॉक्टर रजनी जी, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, बहुत लंबे समय से आप इस फील्ड में हो इनफर्टिलिटी के, जो फर्टाइल कपल्स करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे यहाँ पर ये जो सेंटर है मल्टीपल IVF फेलियर के लिए भी एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण है, क्या है आपका एक्सपीरियंस काउंट कर रहा है पहले का, जैसे आप इतने ज़्यादा जो है इनफर्टाइल कपल्स को अपने हाथों से जो है देख चुके हो और उनको उनका इलाज कर चुके? मल्टीपल IVF फेलियर्स एक बहुत ही मुश्किल पेशेंट होता है ये ट्रीट करना,
क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ट्रीटमेंट करा चुका होता है और अननोन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम नहीं एड्रेस कर पाते। फिर भी पेशेंट को हमें अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कई बार हमें डोनर गैमेट्स से करना पड़ता है, उसमें कई लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कई कई जगह बच्चेदानी खराब हो तो सरोगेसी से बहुत सारे लोग ऐसे कंसीव कर जाते हैं। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नई थर्ड पार्टी की हेल्प लेना चाहते, जो अपना ही दोबारा करते हैं, तो फिर ऐसे में फिर से थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज करके, थोड़ा डोजेस चेंज करके, कई बार नेचुरल साइकिल IVF भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो करी जा सकती हैं, और कई बार किस कोई चीज़ किसी मरीज में क्लिक कर जाती है, एक तुक्का ही होता है, मतलब एक्सपीरियंस से आपका तुक्का थोड़ा बेटर हो जाता है, बट कई बार लग जाता है। हमने देखा है कि कई बार 8-8, 10-10 फेलियर्स के बाद भी लोग प्रेग्नेंट होते हैं, और कई बार पेशेंट रिपीटेड IVF फेलियर्स के बाद नेचुरली विदाउट एनी ट्रीटमेंट भी प्रेग्नेंट होते हैं, जिनमें पहले कोई कारण नहीं होता। ऐसे बहुत केसेस होते हैं जो नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाते हैं, बेबी अडॉप्ट करने के बाद हो जाते हैं, या पता नहीं उनका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ये बहुत देखा है अपनी प्रैक्टिस में। बल हम ये माने डॉक्टर रजनी की स्ट्रेस जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस के कारण भी, क्योंकि जो बंदा जिसके बच्चा नहीं होता तो वो प्रेशर में तो आ जाता है, स्ट्रेस का एक लेवल तो उसके पहले बच्चा हो नहीं रहा और उसके से स्पर्म्स की कमी है या एग्स में कोई प्रॉब्लम है, और दूसरा वो प्रेशर। हम आप लोग मतलब डॉक्टर्स कहते हैं बिल्कुल कि नहीं आपने प्रेशर नहीं डालना, लेकिन नेचुरली है कि उस बंदे को कोई प्रेशर तो आएगा, तो कैसे रिलीज करते हैं आप, कैसे फिर उसको मतलब ये जो काउंसलिंग की सेशन, जैसे आपने देखा कि बाहर से पेशेंट आए हुए थे आपकी काउंसलिंग के साथ, वो इतनी ज़्यादा एकदम से उनका फेस जो है वो बिल्कुल मतलब बदल गया था। स्ट्रेस तो जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हम कहते हैं, और हम इसकी परसेंटेज भी बोलते हैं, 20-25% पेशेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एब्सोल्युटली नॉर्मल, सारे टेस्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं, तो उनमें फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, और बहुत सारे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं है ऐसे होती, IVF के बाद भी नहीं होती। तो ये वाला जो सब ग्रुप है इसमें मुझे लगता है स्ट्रेस ही है मेजर फैक्टर जो उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग IVF से कंसीव कर जाते हैं, ट्रीटमेंट से कर जाते हैं, और वो हमारे पास 4-5 साल बाद आते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसीज लेके आते हैं, वो खुद प्रेगनेंट नेचुरली प्रेगनेंट होके आते हैं। तो ये मैंने बहुत देख लिया इतने सालों में, कितने सारे पेशेंट्स जो बहुत डिफिकल्ट इनफर्टिलिटी केसेस थे और अब वो स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसीज उनमें देख ली। तो यही हम उनको समझाते हैं, नेगेटिव आता है सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक होना एक बहुत पॉजिटिव बात है, उसको लेके पेशेंट नेगेटिव ना हो कि मेरा तो सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं हो रहा तो अब मैं कैसे होऊंगा। तो रिपोर्टें सही होना, ठीक होना अच्छी बात है, अपनी नेगेटिविटी नहीं आने देनी। नई ट्रीटमेंट अगर काम कर रहा तो वो ट्रीटमेंट का ड्रॉबैक है, क्योंकि ट्रीटमेंट 100% नहीं है, वो कहीं भी नहीं है दुनिया में 100%। और अगर हम ट्रीटमेंट कर करके भी नहीं प्रेग्नेंट हुए तो हमें होप लूज फिर भी नहीं करनी चाहिए, अगर हमारा सब कुछ ठीक है तो अपने आप भगवान दे देता है, हो जाता है, उम्मीद रखनी चाहिए। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि आजकल बहुत ही प्रीशियस हैं बच्चे, पहले वाले जमाना नहीं है, और एक बच्चा किसी का होना होता है, जब IVF में लोग कंसीव भी कर जाते हैं उसके बाद भी आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट जैसे आप उनको केयर करते हैं, उनको उस मंजिल तक पहुंचाते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? IVF वाले पेशेंट 9 महीने तो हमारे साथ सब जुड़े रहते हैं, वो हमारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कोई IVF प्रेगनेंसी तो IVF डॉक्टर के पास ही जाएंगे, एक धारणा बनी हुई है जो कि सही नहीं है, वो उनके मन का डर ही है, उन्हें लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, पर वो एक नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट लाइक मेटर्निटी सेंटर में भी अवेलेबल हो सकती है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ICU केयर्स वगैरह की ज़रूरत है तो वहाँ पे एक अच्छे सेंटर में होनी चाहिए, अगर IVF सेंटर में भी ICUs अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ पेशेंट्स को यहाँ पे एंटीनेटल केयर नहीं दे सकते, कि बहुत सारे एडवांस एज में कंसीव करते हैं और मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, मल्टीपल हेल्थ इशूज़, हार्ट वीक है किसी का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो दे शुड बी हैंडल्ड इन अ गुड सेंटर, टर्शियरी केयर सेंटर। और बाकी तो IVF प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही होती है तो इट्स एज गुड एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, उसको लेके ज़्यादा टेंस नहीं होना चाहिए ना डॉक्टर को ना पेशेंट को। जैसे जैसे इस हॉस्पिटल में जैसे आपने कहा कि शुगर, हार्ट, ये सेंटर जो है जिंदल IVF सेंटर है, इसलिए तो एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है जिसमें हार्ट की बात कर लें, शुगर की बात कर लें, जिसमें हम लोग एक पेडिएट्रिशियन की बात कर लें वो भी यहाँ पर आपके मौजूद है, कि बच्चा होने के बाद भी आप लोग उसको जो है एक केयर में मतलब जो है दे देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा सेंटर जिसमें
हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें साथ में हर्ट का है, साथ में शुगर का है और साथ में आपके पेडियाट्रिशियन भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, हमारे यहाँ रिसेंटली डॉक्टर कोमल अग्रवाल हैं, एमडी पेडियाट्रिक्स और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो न्यूरोलॉजी सर्विसेज वो अच्छी दे रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे पेशेंट्स भी जो हमारे यहाँ डिलीवर होते हैं और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, नर्सरी में शिफ्ट होना है बेबी, वो काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो पेशेंट को अगर इन हाउस सर्विस मिलती है तो उसकी बॉदरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसको मल्टीपल जगह पे नहीं लेके जाना पड़ता। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी अपने यहाँ देते हैं तो उसकी बॉदरेशन बहुत कम होती है, उसको कहीं और जाके लाइन में नहीं लगना है। तो ये है, बाकी अच्छा है सब कुछ फैसिलिटीज, प्रेगनेंसी डिलीवरी ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रजनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आज हम 3-4 साल के बाद आपके पास आए और आप पहले से भी और भी एनर्जेटिक हैं और आप पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ सेवा में लगी हुई हैं लोगों को। पहले ये जो काम होते थे वो बाबे करते थे कि लोग जब बच्चे नहीं होते थे तो बाबों के पास जाते थे और आप भगवान का सहारा लेकर जिस तरीके से लोगों की गोद भर रहे हैं, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कहूँगी कि अब तो बाबा भी इतने अवेयर हैं, उनके थ्रू भी हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं तो हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, बट हम उनको कहते हैं बाबा जी की दुआएं भी साथ में चाहिए क्योंकि हम 100% नहीं दे सकते। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।